वजह तो साफ है, सरकार ये छुपाना चाहती है कि भाई पक्का लोगों को ना पता लगे कि किसने किसको बॉन्ड दिया। पैसे देना कोई इलीगल थोड़ी होता है, घूस देना इलीगल होता है। वैसे तो आप किसी को भी दे सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यही अपराध है कि आप किसी ऐसे आदमी को पैसे दे रहे हैं जो आपके ऑफिशियल फाइल से डील कर रहा है, यही अपराध है। तो एकदम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मतलब केज्ड पैरेट, मतलब जितना जितना नीचे गिर सकता था उससे भी नीचे गिर चुका है। तो मतलब आप तो बिल्कुल, आपकी नियत ही बिल्कुल बेईमानी की थी। और ये नियत तो सरकार की है, एक्चुअली सरकारी बैंक है, उन्हीं के इशारों पर जो चेयरमैन है वो एक्सटेंशन पर है, तो ऑब्वियसली सरकार के पूरे कब्जे में। हमने बोला कि भाई आप बाहर कर दीजिए, लोग खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। हम अपने दफ्तर में 10 आदमियों को लगा दें, अपने 10 जूनियर्स को, वो 3 दिन में सारे मैच कर देंगे। नंबर इधर भी नंबर होगा, उधर भी नंबर होगा, मैच। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट को कहे हुए 1 महीने हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले थे जिस पर SBI, जो कि नोडल एजेंसी थी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए काम कर रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड मुहैया करा रही थी, उसकी नोडल एजेंसी थी, उसको कुछ दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को देने थे, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर डालना था। उसमें बहुत विलंब हुआ, विलंब के भी कई कारण हुए, और कई बार जब यह मामला दोबारा अदालत में गया तो कई बार फटकार पड़ी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अभी भी जो जानकारी आई है वो पूरी नहीं है, तो पूरी जानकारी देने में दिक्कतें क्या आ रही हैं और क्या इसके पीछे कोई वजह है? मेरे साथ इस वक्त हैं प्रशांत भूषण जी, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के केस को आपने उसकी अगुवाई की सुप्रीम कोर्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में प्रशांत जी। थैंक यू। एकदम ताज़ा बात करते हैं क्योंकि पुरानी बात तो हम जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये सब तो जानते ही हैं। व्हाट इज योर इम्प्रेशन, आपका क्या मानना है कि SBI की तरफ से जो डेटा दिया गया है और बहुत सारी चीजें जो नहीं दी गई हैं, फॉर इंस्टेंस अल्फा न्यूमेरिक नंबर का ना होना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो जानबूझ के इसलिए नहीं दिया गया जिससे कि लोग ठीक अनुमान ना लगा पाए, ठीक पता ना लगा पाए कि कौन सा बॉन्ड किस कंपनी ने किसको दिया, किस पार्टी को दिया। क्योंकि आप सिर्फ डेट से और अमाउंट से कि किस डेट को किसने बॉन्ड खरीदा कितने अमाउंट का और किस पार्टी ने किस डेट को कितने अमाउंट का बॉन्ड जमा किया, उससे आप सॉर्ट ऑफ थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते। वो तो बॉन्ड नंबर से ही पता लगेगा। ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, उन्होंने हलफनामे में ही बोला है कि हमारे पास है। वो ये कह रहे थे कि दो जगह, दो साइलोज में है, एक तो जिन्होंने बॉन्ड खरीदे उनके साइलो में और एक जिन पार्टियों ने जमा करे उनके साइलो में। तो ये क्योंकि 22,000 हैं तो इनको मैचिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने बोला कि हमको 3.5 महीना और दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो मैचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सारे डिटेल्स ऐसे ही दे दीजिए और वेबसाइट पर डाल दिए जाए। अब जो जानकारी आई है उससे एक क्लियर है कि इनके पास डिजिटल फॉर्मेट में भी था और बॉन्ड नंबर्स तो खैर उसके साथ ज़रूर ही रहे होंगे, उसके बगैर तो ये लोग बॉन्ड बेच ही नहीं सकते थे। जब बॉन्ड बेचते थे तो जो आदमी खरीदता था उसका बॉन्ड नंबर उसके साथ ही रिकॉर्ड किया जाता था उनके सिस्टम में। उसी तरह से जब बॉन्ड कोई पार्टी जमा करती थी उसका भी नंबर वहाँ उनके सिस्टम में लिखा जाता था। इन्होंने जानबूझकर जो इनके पास पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में ही थी उसमें से एक कॉलम दोनों तरफ से हटा दिया, बॉन्ड नंबर का कॉलम, जिससे कि लोग पक्का पता ना लगा पाए कि भाई किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया। तो ये तो जानबूझ के इन लोगों ने किया है और जाहिर है सरकार के कहने पर किया है, क्योंकि जितनी जानकारी बाहर आई है
उससे वही जो हम लोगों को शंका थी वही चीज़ निकल कर आ रही है। ये बॉन्ड ज़्यादातर घूस के तौर पर दिए गए हैं, घूस कई तरह की। एक तो खैर ये सामने आया है कि बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने ये बॉन्ड दिए वो ईडी के घेरे में थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई वगैरह के, और जिस समय उनके ऊपर रेड करी गई या उनको कोई नोटिस दिया गया उसी के थोड़े दिन बाद उन्होंने ये चंदा दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। तो इससे ये जाहिर है जो जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि ये सारी एजेंसीज को पैसा इन लोगों से एक्सटॉर्ट करने के लिए लिया जा रहा था, और ये भी ब्राइबरी है। मतलब सेंट्रल एजेंसीज एक्सटॉर्शन का काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार के कहने पर तो बिल्कुल क्लियर है कि सरकारी तोते हैं ये लोग। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला था सीबीआई इज अ केज पैरट ऑफ द गवर्नमेंट, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, ये सब सरकारी तोते हैं एंड सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, और सरकार उनसे एक्सटॉर्शन रैकेट, जो राहुल गांधी ने बात बोली है कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था कंपनियों से पैसा एक्सटॉर्ट करने का, कि उनको ईडी से डराओ, उनको सीबीआई से डराओ, और फिर उनसे बोलो कि अच्छा आप इतने बॉन्ड दे दीजिए, आप इतने 100 करोड़ या 1000 करोड़ दे दीजिए तो बस आपके खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। एक तो ये हो रहा था। फिर कई कंपनियों को जिन्होंने बॉन्ड दिए हैं उनका ये निकल कर आया है कि उन्होंने बॉन्ड दिए और एक महीने के अंदर उनको 14,000 करोड़ का ये मेगा इंजीनियरिंग का, इन्होंने 140 करोड़ के बॉन्ड दिए अप्रैल 2023 में और मई में इनको 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है भाजपा की महाराष्ट्र सरकार से। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ज़्यादातर बॉन्ड ये जो हैं ये घूस के तौर पर दिए गए। घूस कई तरह से दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, अपने हक में पॉलिसी बनवाने के लिए, अपने को ईडी सीबीआई वगैरह से बचाने के लिए, ये भी घूस है, चाहे वो एक्सटॉर्शन भी है। मतलब एक और ज़्यादा खतरनाक तरह की घूस है जिसमें एक्सटॉर्शन भी किया जा रहा है और उनसे घूस ली जा रही है कि भाई तुमको अगर इससे बचना है तो तुम इतने पैसे हमको दे दो। तो ये तो एक्चुअली देखिए 2G और कोलगेट में जो हुआ था वहां पर आर्बिट्ररी अलॉटमेंट हुआ था, 2G में 2G स्पेक्ट्रम का, कोलगेट में कोयले की खदानों का, लेकिन ये बात सामने नहीं आई थी कि इसमें क्विड प्रो को हुआ है या फिर घूस दी गई है। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनवा के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। इसमें तो ये बात ही सामने आ गई है कि घूस दी गई है। तो इसलिए इसमें तो बिल्कुल लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट एक SIT बनाकर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाए और इन लोगों का प्रोसिक्यूशन हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल बहुत हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत संगीन अपराध। अब मैं प्रशांत जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, खास तौर से ये जो बात आप कह रहे हैं क्विड प्रो को की, यानी कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, या फिर आप मुझे कुछ दीजिए मैं बदले में आपको कुछ दूं, कुछ इस तरीके की बात। मैं प्रशांत जी इसमें ये जानना चाहता हूं कि लीगली कोई चंदा दे रहा है और उसके कुछ महीने बाद उसको एक कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये तो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड दो साइलोज की इंफॉर्मेशन नहीं है। आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, कानूनी रूप से ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये इसी चंदे की वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है? हाउ डू यू लीगली प्रूव दिस, क्योंकि कंपनी हमेशा पलट के कह सकती है सारे नियम का पालन किया है। वो इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन से ये बात निकल कर आएगी कि उसके आगे पीछे क्या हुआ, क्या नेगोशिएशंस हुए, क्या बात हुई वगैरह वगैरह। और ये तो एक्चुअली अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में देखें तो कायदे से एक ऐसे जने को पैसे देना, ऐसी पार्टी को पैसे देना जो आपकी ऑफिशियल फाइल, कॉन्ट्रैक्ट की ऑफिशियल फाइल या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की,
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का तो खैर हमको ये भी कहना पड़ेगा कि भाई ये सरकार के इशारों पर काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं वो तो सरकारों ने ही दिए हैं। तो अगर आप अगर कोई सरकार आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और आप उसी पार्टी को चंदा दें तो नॉर्मली उसको घूस माना जाएगा, अनलेस कि आप कोई उसकी और सफाई दे सकें। अदरवाइज वैसे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऐसे अफसर को पैसे देना जो आपकी फाइल से डील कर रहा है वही करप्शन का अपराध माना जाता है। लेकिन ये तो एक कानूनी प्रक्रिया थी ना, इलेक्टोरल बॉन्ड तो असंवैधानिक अब हुआ है, उस समय नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता है कि ये कंपनीज पलट के हमेशा ये कह सकती हैं कि वो तो हमने एक कानूनी तरीके से जो पैसा था वो दिया? हाउ डू यू प्रूव क्विड प्रो को? असंवैधानिक तो बॉन्ड हो गया ना। हाँ, लेकिन अगर आप बॉन्ड का पैसा घूस के तौर पर देते हैं, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या कोई पॉलिसी अपने हक में बनाने के लिए या फिर अपने ऊपर से ईडी को हटाने के लिए, तो वो तो घूस। तो ये तो सर प्रशांत जी मोटिव हो गया कि मेरा मेरी नियत क्या थी, मेरा मकसद क्या था जिससे मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड में निवेश किया, वही ये कैसे साबित होगा? देखिए वैसे तो प्रिवेंशन, जैसे मैंने बोला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यही अपराध है कि आप किसी ऐसे आदमी को पैसे दे रहे हैं जो आपके ऑफिशियल फाइल से डील कर रहा है, यही अपराध है भले ही वो लीगल हो उस वक्त। हाँ, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो लीगल था उस समय। लीगल तो पैसे देना कोई इलीगल थोड़ी होता है, घूस देना इलीगल होता है। वैसे तो आप किसी को भी दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन तो मिलता रहा है, लेकिन अगर घूस के तौर पर डोनेशन दिया जाए वो तो बिल्कुल करप्शन है। तो इसलिए प्राइमा फेसाई ये तो घूस माना ही जाएगा अगर उस समय आपकी फाइल वो डील कर रहे हैं, और अगर ये भी प्रूव हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए कि उसके बाद फिर ईडी की कार्रवाई खत्म कर दी गई, पहले ईडी की कार्रवाई शुरू करी गई, फिर उनको चंदा मिला, फिर खत्म कर दी गई, उससे ही क्लियर हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी कि भाई ईडी के ऊपर किसका दबाव था, किसकी बात हुई ईडी के अफसरों से, मतलब चेन ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एसआईटी हो इस पूरे मामले पर। अब इसमें एक और अजम्पशन है प्रशांत जी, और वो ये है कि ये जो चंदा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड में वो केंद्र सरकार को ही दिया गया या उस पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को दिया गया जिसकी वजह से उनको ये कॉन्ट्रैक्ट में लाभ मिला। अभी तक ये अजम्पशन इसलिए है क्योंकि वो पूरी डेटा सामने नहीं है और वो मिलान या लिंक नहीं हो पाया है। तो डू यू थिंक अब ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये अच्छे से कोरोबरेट हो सके कि जो चंदा गया वो किस पार्टी को गया? हाँ, ऑब्वियसली यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है ना। उन्होंने कल की हियरिंग में यही बोला कि भाई उन्होंने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं दिए, हमने तो बोला था सारे डिटेल देने के लिए इंक्लूडिंग एबीसी। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर छुपा लें, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड नंबर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था। बोलता ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग सो एंड सो ऑफ डोनर्स एज वेल एज रेसिपिएंट। तो उन्होंने इंक्लूडिंग में जो जो चीज थी वो दे दी, वो दे दी, और वो भी पूरी सही नहीं दिए, क्योंकि 2019 से कायदे से उनको जब ये कह रहे थे कि 22,000 है, 22,000 तो 2019 से पहले के भी थे ना, 2018 और अप्रैल 19 तक वो भी छुपा लिए, वो भी नहीं दिए, और बॉन्ड नंबर तो दिए ही नहीं, जानबूझ के नहीं दिए। तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जिससे कि लोगों को ये कनेक्ट करना मुश्किल हो जाए। पहले तो कह रहे थे कि भाई हमको कनेक्ट करने में टाइम लगेंगे लगेगा, हमने बोला कि भाई आप बाहर कर दीजिए, लोग खुद ही कनेक्ट कर लेंगे, हम अपने दफ्तर में 10 आदमियों को लगा दें, अपने 10 जूनियर्स को, वो 3 दिन में सारे मैच कर देंगे, नंबर इधर भी नंबर होगा उधर भी नंबर होगा, मैच ही तो। हरीश सालवे जी का कोर्ट में जब आप भी वहां उपस्थित थे, उनका ये कहना था कि इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, गलत मिलान कर दिया और किसी कंपनी का नाम आपने उछाल दिया, उसमें एक तो अव्वल उस कंपनी की बदनामी हो जाएगी और दूसरी कल को अगर कंपनी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी को कोर्ट में घसीट ले कि आपने गलत तरीके से हमारा नाम उछाल दिया, तो ये भी एक जिम्मेदारी है जो वो अपने बता रहे थे कि बतौर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना समय चाहिए कि हम एकदम पक्का श्योर ये इन्होंने फट से कैसे दे दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक दिन में दे दो, तो एक दिन में पूरी लिस्ट
एकदम प्रॉपर डेट वाइज सारी लिस्ट है इनके पास, सारे डोनर्स की भी है, सारे रेसिपिएंट्स की भी है, ऑब्वियसली थी उनके पास डिजिटल फॉर्मेट में, तो डिजिटल फॉर्मेट में ही दी गई है। और दूसरी बात, हर जगह बॉन्ड नंबर जरूर रहे होंगे इनके पास, दोनों तरफ दोनों कॉलम्स में, जिन्होंने खरीदे बॉन्ड और जिन पार्टियों ने जमा करे, वो कॉलम निकाल दिया गया है और मिस्चिवसली निकाला गया है, जिससे कि लोग पक्का कनेक्ट ना कर पाए। आपको कनेक्ट करने में आप कह रहे थे कि भाई हमारे 2 लाख लोगों को 3.5 महीने लगेंगे, स्टेट बैंक के 2 लाख एम्प्लॉयज हैं उनको 3.5 महीने लगेंगे। हमने बोला हमको दे दीजिए, हमारे जूनियर्स ही 3 दिन में निकाल देंगे, सारे मैचिंग कर देंगे। तो एक चीज और प्रशांत जी, ये कही जा रही है, जैसे जो खोजी पत्रकार हैं पूनम अग्रवाल, उन्होंने जो बॉन्ड लिया उसमें अल्ट्रावायलेट रे डाल के उन्होंने अपना नंबर दिखाया, वो ये कहती हैं कि ये नंबर उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एसबीआई इसलिए रखती है ताकि ऑडिट हो सके, और ऑडिट का प्रोसेस जो है वो हर साल होता है, मतलब आपको हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपको अपना पूरा ऑडिट करना पड़ेगा। होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो भी एक इंटरव्यू में ये कह गए हैं कि इससे ट्रांसपेरेंट और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनी पैसा देती है उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा, उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, सारी चीज जो है वो आउट इन दी ओपन है। तो ये कहना कि बहुत छुपा करके कोई चीज रखी गई है वो सही नहीं है, लेकिन पूनम अग्रवाल की इन्वेस्टिगेशन में ये बोलना कि ये ऑडिट के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको लगता नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी वो ऑडिटेड इंफॉर्मेशन होगी पिछले कुछ सालों की, क्योंकि ऑडिट तो किया होगा ना हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ऑडिट हो या ना हो, जब उनको ये इन्फॉर्मेशन रखनी थी इसलिए रखनी थी क्योंकि उसकी स्कीम में ही लिखा है कि जब कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोर्ट मांग करेगा तो हमको देनी होगी बॉन्ड नंबर्स की। और इन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन में बोला था कि हमारे पास सब कुछ है, बॉन्ड नंबर्स भी हैं लेकिन अलग अलग साइलोज में है, परचेजर का अलग है और जो रिडीमर है उसका अलग है, और उसको मैच करने में 3.5 महीने लगेंगे। तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें बॉन्ड नंबर ही नहीं आया, बॉन्ड नंबर ही हटा दिया, उड़ा दिया गया, ऑब्वियसली रहा होगा यानी के उसमें उड़ा दिया गया, वो तो 1 मिनट में दे सकते थे वो लोग उसी के साथ ही। आपको लगता है एक डिलेइंग टैक्टिक है, क्योंकि अब जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में आदेश देने के बाद 2 राउंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ चुकी है बार बार अपने आदेश को असर्ट करने के लिए कि भाई ये दीजिए ये दीजिए, अब फिर मंडे को ये मामला आ रहा है, तो इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? ये वजह तो साफ है, सरकार ये छुपाना चाहती है कि भाई पक्का लोगों को ना पता लगे कि किसने किसको बॉन्ड दिया। अभी भी वो लोग, उनके जो आईटी सेल वाले लोग हैं, वो घुमा रहे हैं कि नहीं नहीं इस कंपनी को फेवर तो दूसरी पार्टी ने भी दिया था, हो सकता है उनको चंदा दिया हो वगैरह वगैरह। तो ये सब स्पेकुलेशन के रियल में आ जाता है, और इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए था कि भाई जनता का अधिकार है जानने का कि भाई किसने किसको चंदा दिया, किस पार्टी की फंडिंग कौन कर रहा है। तो इसलिए जब तक आप उसके नंबर नहीं बताएंगे, आपके पास रिकॉर्डेड है और आप जबरदस्ती छुपा रहे हैं, तो एकदम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मतलब केज्ड पैरेट मतलब जितना जितना नीचे गिर सकता था उससे भी नीचे गिर चुका है। एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात करते हैं प्रशांत जी, और वो है फ्यूचर गेमिंग, क्योंकि अब तक जो डेटा सामने आया है और अभी भी पूरा नहीं आया है, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 1,368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इस फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी, सैंटियागो मार्टिन साहब है उनकी एक कंपनी है, उसने दिए। नंबर वन, हमें नहीं मालूम है कि किसको इसका ब्रेकअप क्या है, कि वो पैसा कौन सी पार्टी को गया है, क्या वो बीआरएस को गया है या वो डीएमके को गया है, कांग्रेस को गया है, बीजेपी को गया है। लेकिन एक चीज जो इन दस्तावेजों में जो निकल करके आई वो ये थी कि इनके एसेट्स सीज किए, अटैच किए ईडी ने 409 करोड़ के, अगर मेरे फिगर गलत नहीं है,
और उसके चार दिन बाद एक डेटा एंट्री है जिसमें यह दिखता है कि करीब 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इसी कंपनी ने खरीद लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईडी जब कोई चीज अटैच करती है तो क्या फिर गुंजाइश रहती है कि आप जाकर के 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड और खरीद लें उस अकाउंट से जो अटैच हो चुका है? नहीं, उस अकाउंट से तो नहीं खरीद सकते, दूसरे किसी अकाउंट से खरीदा होगा। अगर अटैच हो गया था तो उस अकाउंट से नहीं खरीद सकते, वो तो अकाउंट फ्रीज हो गया होगा। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये लोग तो अटैच करके भी रिलीज कर देते हैं और बाद में रिलीज किया ही होगा जब इनको पैसा मिल गया, जब वो जो एक्सटॉर्शन ही था एक तरह का, एक्सटॉर्शन ऑफ ए ब्राइब फॉर गोइंग स्लो और कि भाई हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, अभी तो चलिए हमने अटैच कर दिया है, बाद में हम आपको छोड़ देंगे, हमको पैसा दे दीजिए, उस तरह का धंधा चल रहा था। डू यू थिंक अब अगर मंडे को जब फिर हियरिंग होती है और फिर कोई एक डेटा या कोई एक उस तरीके से नहीं रिलीज होता या ऑल डेटा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल डेटा रिलीज कीजिए एसबीआई से, वो नहीं होता तो द एसबीआई विल बी सिटिंग इन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना कर रही होगी एसबीआई। कायदे से तो ये भी अवमानना ही थी बॉन्ड नंबर ना देना, क्योंकि कोर्ट ने बोला था सारे डिटेल्स इंक्लूडिंग एबीसीडी, उन्होंने बस वो जो एबीसीडी मेंशन किया था वही दे दिया, ऑल डिटेल्स नहीं दी। ऑल डिटेल्स में तो बॉन्ड नंबर भी थे और जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर बोला था कि भाई लोगों को जानने का अधिकार है कि किसने किस पार्टी को फंड किया है, तब तो आप वो तो तभी पता लगेगा, पक्का तभी पता लगेगा जब बॉन्ड नंबर आप देंगे। आप कह रहे थे कि हमको मैचिंग करने में टाइम लगेगा, दो साइलोज में है, तो उन्होंने बोला ठीक है दो साइलोज में अलग अलग दे दीजिए, लेकिन उसमें भी आपने बॉन्ड नंबर हटा दिए, तो मतलब आप तो बिल्कुल, आपकी नियत ही बिल्कुल बेईमानी की थी। और ये नियत तो सरकार की है, एक्चुअली सरकारी बैंक है, उन्हीं के इशारों पर जो चेयरमैन है वो एक्सटेंशन पर है, तो ऑब्वियसली सरकार के पूरे कब्जे में है। एक चीज और कही जा रही है और वो देखी जा रही है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं प्रशांत जी जो कि अपने रिटर्न्स उन्होंने फाइल नहीं किए या फिर उनकी लेट्स जस्ट से जो एबिलिटी है, कंपनी इतनी बड़ी ही नहीं है कि वो, लेकिन उसने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं, खरीदे हैं। आपको लगता है ये भी थोड़ा सा संदेह पैदा करता है या संदेह प्रकट करता है कि हो सकता है ये कंपनियां जो हैं वो खुद ना करके किसी और बड़ी कंपनी के लिए एक फ्रंट की तरह काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शेल कंपनियां ही हैं, जैसे एक क्विक करके एक कंपनी है जिसने 400 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे, इसके तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट ही 100 करोड़ है, ये रिलायंस की कंपनी है और ऑब्वियस है कि रिलायंस की एक तरह से शेल कंपनी है, उसकी एक छोटी सी डॉटर कंपनी है, तो ये पैसा जो 400 या 500 करोड़ आया है बॉन्ड खरीदने के लिए ये कहीं और से ही आया होगा, रिलायंस वगैरह से। और आपको लगता है ऐसी ही और भी कंपनीज होंगी जिनका जिनका पता जब जांच होगी तभी लग पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से कई ऐसी कंपनियां होंगी जो शेल कंपनियां हैं या फ्रंट कर रही हैं किसी दूसरी कंपनी के, जिस कंपनी को थोड़ी घबराहट थी कि भाई ये डेटा कभी ना कभी बाहर आ जाएगा, वो शेल कंपनी के थ्रू ही करवा रहे होंगे ताकि मास्क हो जाए कि आप दे रहे हैं नहीं। क्योंकि देखिए अगर जैसे द बिग टू जैसे कहा जाता है जिनके जिनको लेकर के एटलीस्ट राजनीतिक रूप से बहुत चर्चा रहती है, उनके तो नाम नहीं है इसमें। नहीं, अंबानी का तो है क्योंकि क्विक तो अंबानी की ही कंपनी है, रिलायंस की ही कंपनी है, लेकिन अडानी का अभी तक सीधा नाम नहीं आया है। बट इंटरेस्टिंगली आज ये खबर आई है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उन्होंने उनकी कोई अमेरिका की कोई उनकी एसोसिएटेड कंपनी है उसने इंडिया में एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के लिए घुस दिया, तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी अमेरिका में चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग होगा कि उस इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट होता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि कंपनी ने डिनाई किया है, उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसा कोई भी वो नहीं आया, हमें कोई जानकारी नहीं है इसका। ठीक है, वो तो डिनाई करते ही हैं, हर चीज को डिनाई करते हैं। जस्ट टू सम अप, आपसे जो बातचीत में समझ में आया है कि
एक तो वो कंपनियां जो कि अपनी हैसियत से ज्यादा चंदा दे रही थी, तो क्या वो किसी और के लिए फंड फ्रंट थी, ये एक एस्पेक्ट। दूसरी चीज, क्या क्विड प्रो को हुआ कि इधर से चंदा दिया और वहां से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पाया, और किसने दिया, केंद्र ने दिया, राज्य ने दिया, अलग अलग। तीसरा, क्या एजेंसियों ने दबाव बना करके, इन यूजिंग योर वर्ड्स, एक्सटॉर्ट किया, मतलब चंदा उगाही सरकारों की। ने इन एजेंसीज के थ्रू दबाव बनाकर उन कंपनियों से एक्सटॉर्ट किया, मतलब एजेंसी को तो नहीं मिला पैसा, मिला तो पार्टी को है, लेकिन जो पार्टी उन एजेंसी को कंट्रोल करती है उन्होंने एजेंसीज का यूज किया दबाव बनाने के लिए, और उसके आधार पर वो पैसा उनसे एक्सटॉर्ट किया, ऐंठ लिया। लेकिन क्योंकि जैसे टीएमसी है, उसको भी मिला है 1000 करोड़, बीआरएस को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, तो गोइंग बाय दिस लॉजिक, ये बात सही है कि 6000+ करोड़ बीजेपी को मिला है, लेकिन गोइंग बाय दिस लॉजिक और पार्टियों को और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको भी ज्यादातर घूस के ही तौर पर मिला होगा, काफियों को उनको भी घूस के ही तौर पर मिला होगा। ये सारा धंधा जो बनाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये घूस देने के लिए ही बनाया गया था, इसका मकसद एक और एक ही था। इंक्लूडिंग ऑल पोलिटिकल पार्टीज, नहीं, मतलब जो जिसको जो राज्य बीजेपी में ने है। बनाया उनको पता था कि हम सरकार में हैं तो ज्यादा घूस तो हम ही ले सकते हैं, हमारी राज्यों में भी ज्यादातर सरकारें हैं, केंद्र में भी है, ईडी वगैरह सब हमारे हाथ में है, तो घूस तो हम ही ले सकते हैं। लेकिन जिनकी और राज्यों में सरकारें थीं और राज्य में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे सकते थे, उन लोगों को भी हो सकता है घूस मिली हो इन कंपनियों के थ्रू, लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सिर्फ और सिर्फ घूस लेने के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि उसको अनोनिमस रखने का एक ही मकसद कि लोग घूस दे दें और पता भी ना लगे किसी को कि घूस दे दी गई है। तो आपको लगता है जैसे कि हम ये जो दो तीन चीज जो अलग अलग जिसके बारे में हमने बात की, कि इसको जानने का अभी तो क्या है, ये सब आपका ऐसा मानना, किसी और का ऐसा मानना अभी इस स्थिति में है, ये ज्यादा सही तरीके से तथ्यों के आधार पर तब पता चलेगा जब एक जांच हो जाए इस पर, एंड दैट इज ठोस, व्हाई ये जांच कौन करे, अब ये भी एक सवाल है। हाँ, तो ये सरकारी एजेंसीज तो नहीं कर सकती हैं, सीबीआई वगैरह तो सरकारी तोते हैं ना, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी थी, उसमें 2G में या इसमें कोलगेट में, उसी तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। उस समय तो फिर भी चलिए सीबीआई वगैरह उतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं थी, आज तो हम देख रहे हैं पूरा ही सरकार के कंट्रोल में है, ईडी सीबीआई वगैरह, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनानी होगी एसआईटी टाइप की, जो कि पहले कई बार बनाई गई है जी और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अंत में जाते जाते एक सवाल, एक अलग मसले के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। ये कहा जा रहा है कि 2000 और वो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की जो रिपोर्ट दे दी गई, उसमें ये बोला गया है कि 2029 तक जो भी चुनाव इससे पहले होंगे, 29 के बाद फिर सब एक साथ होंगे। कई तर्क दिए जाते हैं इसके लिए कि पैसा बचेगा, समय बचेगा, सब तमाम चीजें होंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकारें होंगी जिनके चुनाव हुए ही होंगे और फिर 2029 में दोबारा होंगे। नहीं, वो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, आपको अगर अब वो कराना है तो आपको पहले तो ये कहना पड़ेगा कि भाई जो भी जितनी भी सरकारें हैं या स्टेट असेंबलीज वगैरह हैं सबके टर्म कर्टेल कर दिए जाएं और 2019 में ख़त्म, 29 में ख़त्म हो जाएं, फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि चलिए एक बार तो आपने करा लिया, सबकी टर्म ख़त्म कर दी, चाहे वो 1 साल की रही हो 2 साल की रही हो, लेकिन आगे क्या करेंगे? आगे मान लीजिए 2 साल के बाद वो सरकार गिर गई, अब क्या करेंगे आप? साइमल्टेनियस पोल क्या सारी सरकारों को बर्खास्त कर देंगे? एक राज्य सरकार गिर गई तो क्या सारी सरकारें बर्खास्त कर दी जाएंगी और फिर से 2 साल के बाद सब जगह
वन नेशन वन पोल कराया जाएगा, या इंतजार करें कि जब फिर 5 साल की साइकिल आएगी तब वहां पर चुनाव होंगे, या तो फिर उस 3 साल में क्या करेंगे, 2 साल में सरकार गिर गई, 3 साल प्रेसिडेंट रूल लगेगा वहां। मतलब ये तो एक्चुअली पता नहीं मुझे कि कैसे ये लोग इस तरह की चीजें सोच रहे हैं। ये तो एलिमेंटरी लॉजिक को डिफाई करता है, और जो जना इसकी बात करता है उसको मतलब एलिमेंटरी लॉजिक नहीं दिख रहा कि भाई आपको फिर ये करना पड़ेगा साइमल्टेनियस पोल के लिए, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हो सकता है, वहां एक आदमी इलेक्ट होता है वही एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ तो आपके 500 एमपी से वो सरकार को इलेक्ट करते हैं, वो सरकार कभी भी गिर सकती है, कोई भी पार्टी सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है, एमपी सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए या तो आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अगर ऐसा होता है तो यस इधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और यू विल हैव टू ब्रिंग ए लॉ सेइंग कि भाई एक बार किसी एमपी ने अगर किसी सरकार को सपोर्ट कर दिया या किसी पार्टी ने सपोर्ट कर दिया तो वो अपना सपोर्ट फिर विड्रॉ नहीं कर सकता 5 साल तक। मतलब एब्सर्डिटीज है, एकदम एब्सर्ड है। मतलब किसी को अगर जरा भी दिमाग होता तो फिर ये एब्सर्डिटी तो 2 मिनट में समझ में आ जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे तो मतलब इतनी हैरानी है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के नेतृत्व में इस तरह का रिकमेंडेशन आया है। आई एम एब्सोल्युटली अपॉल्ड एंड अघास्ट कि एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैविंग एनी आउंस ऑफ लॉजिक कैन रिकमेंड वन नेशन वन पोल विदाउट फंडामेंटली चेंजिंग द सिस्टम टू अ प्रेसिडेंशियल वन। और कानून में क्या क्या बदलाव होंगे? एक तो 2/3 बहुमत से आपको, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसमें तो 2/3 बहुमत से होना होता है, इसके अलावा राज्यों को भी मानना होगा। नहीं, आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही लाना पड़ेगा सब जगह, राज्यों में भी, या तो आप राज्यों को खत्म कर दें और बोलें कि फेडरल फेडरलिज्म खत्म कर रहे हैं, बस यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होगा, वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा और उसी को सारी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, फिर वन नेशन वन पोल तो वैसे ही हो गया। अगर आप राज्यों को भी रखना चाहते हैं तो राज्यों में भी आप कर दें कि भाई अच्छा ठीक है, एक वहां पर गवर्नर इलेक्ट होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, उसी के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, ये सब जो MLAs वगैरह हैं उनकी कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी, तो फिर सरकार गिरने का तो कोई बात ही नहीं है। गवर्नर गया जैसे अमेरिका में है, तो प्रेसिडेंट अगर मर गया तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट मर गया तो स्पीकर बन जाता है प्रेसिडेंट। तो इस तरह का आप सिस्टम अमेरिकन सिस्टम अगर ले आए उसमें आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें आप उसमें ही नहीं हो सकता। अभी अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो मुझे एक और चीज याद आई, क्योंकि ये एक मामला है जिसमें आप ही अपीयर कर रहे हैं, ADR की ही पिटीशन है, और वो है इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर के। हम जानते हैं कि अरुण गोयल जी किस नाटकीय अंदाज में आए, उसके बाद अदालत में क्या हुआ और वो कैसे चले गए हैं, दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री। क्यों गए हैं ये भी रिमेन्स अ मिस्ट्री। दो नए लोग आ गए हैं और वो किस सिस्टम से आए हैं वो अब अदालतों में पहुंच गया है। इसमें एक तर्क सरकार की तरफ से नॉट वेरी ओपनली ये दिया जाता है कि ये तो पहले भी होता था, प्रेसिडेंट यूज टू रिकमेंड ऑन द सजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सीबीआई लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर हुआ, जिसको सरकार ने प्राइम मिनिस्टर अपना एक मंत्री और LOP कर दिया। इसमें फंडामेंटल फ्लॉ आप क्या देखते हैं, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस डू यू और डायरेक्शन डू यू थिंक शुड कम फ्रॉम द, आई मीन व्हाट इज योर प्रेयर? प्रेयर तो यही है कि देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये आदेश दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन का चयन सरकार के हाथ में होगा तो हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने बोला कि भाई जब तक कोई इस पर कानून नहीं बनता, उन्होंने बोला कानून ऐसा बनना होगा जिसमें सरकार के हाथ में ना रहे, और तब तक प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस की चयन समिति होगी।
अब उसमें इन्होंने पलट कर प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का एक और मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि फिर से सरकार के हाथ में आप लिया है। तो ये तो बिल्कुल उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के खिलाफ जाता है ना। हमारे जो डेमोक्रेसी उसका बेसिस ये था, अगर डेमोक्रेसी कायम रखनी है देश में तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जरूरी है और उसके लिए सरकार के हाथ में उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक्स फेसाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कानून। हम लोगों ने ये बोला कि जब तक ठीक है हमने उसकी चुनौती दी, उस पर नोटिस इशू हो गया है, अब उसको डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बीच में कि जो दो वेकेंट पोस्ट हो गई हैं इनका चयन वही जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी समिति उसके द्वारा सीजीआई ओपीएनपीएन। लेकिन इन्होंने देखिए 11 तारीख को हमने एप्लीकेशन फाइल करी, 9 तारीख को अरुण गोयल ने रिजाइन किया, 11 को हमने एप्लीकेशन फाइल करी, 12 तारीख को एलओपी लिखते हैं गवर्नमेंट को कि भाई जो 15 तारीख को आपने मीटिंग रखी है उससे काफी पहले मुझे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका पूरा बायोडाटा वगैरह सब भेज दीजिए। उनको कुछ नहीं भेजा जाता, बल्कि 15 तारीख की हमने 13 तारीख को ये मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये हमारी एप्लीकेशन जल्दी सुन लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है हम 15 तारीख को सुनेंगे। इन्होंने हमारे मेंशन करते ही तुरंत वो मीटिंग जो 15 को होनी थी वो प्रीपोन कर दी, 14 को रख ली। एलओपी को कोई इंफॉर्मेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की दी नहीं, और क्योंकि उनको मेजोरिटी है एक मंत्री और एक प्राइम मिनिस्टर, तो 6 आदमी शॉर्टलिस्ट किए थे, वो 6 आदमियों की लिस्ट 10 मिनट पहले मीटिंग के 10 मिनट पहले उनको पकड़ा दी और बोला कि अच्छा इनमें से चयन करना है। और फिर प्रधानमंत्री और दूसरे जन ने जो मंत्री थे इनके होम मिनिस्टर उन्होंने मिलकर ये 2 आदमियों को का चयन कर लिया। वो एलओपी ताकते रह गए, कहते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो देख भी नहीं सकता कि इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इनकी पास्ट रिकॉर्ड क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। नहीं मना नहीं किया, उन्होंने बोला कि तुम्हारी एप्लीकेशन की हम सुनवाई करेंगे और थर्सडे को रखी है। ये गलत इन्फॉर्मेशन आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुमने एप्लीकेशन फाइल करी है, हमने बोला हाँ करी है, बोला ठीक है उसकी हम सुनवाई। मतलब ईसी के अपॉइंटमेंट पर कोई स्टे नहीं है, धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।